पोकेवेंस, कैसे हो? तो पोकेवेंस, क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐश के घर में जो मिस्टर माइन रहता है वो एक वाइल्ड मिस्टर माइन है? ये तो सबको पता है, पर क्या तुमने कभी ये सोचा है कि क्या ऐश उस मिस्टर माइन को पकड़ता क्यों नहीं? तो यार, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च की और सोचा कि इसके ऊपर कोई ना कोई तो थियोरी बनती होगी। तो यार, मेरे मन में ऐसी दो थियोरीज आई है जो कि मेरी सेल्फ मेड थियोरीज है, या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि फैन मेड थियोरीज है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले कि ऐश ने अपने घर वाले मिस्टर माइन को अब तक क्यों नहीं पकड़ा, और क्या उसे वो पकड़ना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए मेरे पास दो फैन मेड थियोरीज है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें इन दोनों में से कौन सी थियोरी ज़्यादा पसंद आई और कौन सी थियोरी ज़्यादा रिलेटेबल लगी। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबाओ और कमेंट करके ज़रूर बताना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पोकेवेंस, बढ़ते हैं थियरी नंबर वन की तरफ। दोस्तों, मेरी जो थियरी नंबर वन पे मैं बेस कर रहा हूँ कि शायद से अभी देखो, ऐश अभी गिलार रीजन में है, तो कभी ना कभी तो उसकी मम्मी कैंटो से गिलार तो ट्रैवल करेगी ऐश को मिलने के लिए किसी ना किसी रीजन के साथ, प्रोफेसर ओक के साथ। हो सकता है कि ऐश वहाँ पे किसी सिचुएशन में फंसा होगा, किसी बैटल में, और वहाँ पे वो सब लोग फंसे होंगे और उसी वक्त उन लोगों को वहाँ से एग्ज़िट होना होगा, मतलब एग्ज़िट यानी भागना होगा, पर वहाँ पे कहीं पे मिस्टर माइन जो है कि अटक गया होगा, या फिर तुम कह सको वहाँ पे मतलब वो मिस्टर माइन उस जगह से निकल नहीं पा रहा होगा और ऐश को मतलब ऐश को उसे वहाँ से निकालना ही है, क्योंकि वो उसके एक घर के या फिर रिलेटिव के नाम पे वो एक पोकेमोन है, क्योंकि वो उसके घर में रहता है, उसके घर के सारे काम करते हैं, यानी एक फैमिली मेम्बर की तरह है, तो उसे वहाँ से उसको निकालना होता है। तो आई गेस वो एक मजबूरी में उसकी तरफ एक पोकेबॉल फेंक देगा, यानी उसे वहाँ से निकालने के लिए मजबूरी में उसको पोकेबॉल फेंकना पड़ेगा, या और उसे मिस्टर माइन को कैच करना पड़ेगा और वहाँ से वो पोकेबॉल लेके निकल जाएगा। ये इस थियरी की पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है, पर हो सकता है ऐसा कुछ हो और ऐश उस मिस्टर माइन को पकड़े, और क्या पता वो गैलार में अगर उसे पकड़ भी लेता है, और तुम्हें तो पता है गैलार रीजन में मिस्टर माइन का एक इवोल्यूशन भी आ चुका है जो कि मिस्टर राइम करके, क्या पता वो उसे पकड़ने के बाद हो सके वो इवॉल्व हो जाए। ये थी मेरी थियरी, तो मेरे को कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें ये थियरी कैसा लगी। अभी बढ़ते हैं थियरी नंबर टू की तरफ। पोकेफेंस, बढ़ते हैं थियरी नंबर टू की तरफ। तो थियरी नंबर टू में मैंने ये सोचा कि देखो, ऐश और मिस्टर माइन ये दोनों के आपस में ज़्यादा बनती नहीं, क्योंकि देखो ऐश कभी भी अपने घर पे आया होगा तो वो जब भी सुबह उठता है तो मतलब वो सुबह उठता नहीं, तो उसकी मॉम मिस्टर माइन को बोलते जाओ उसे उठा पिला, और मिस्टर माइन कुछ ना करके बस वो वैक्यूम क्लीनर लेके उसके मुँह पर मार देता है और उसे उठा देता है। ऐसी फनीस्ट मोमेंट, तो ये मतलब इन दोनों की अच्छे से बनती नहीं, पर होगा क्या कि मतलब एक सिनारियो ले लो कि ऐश और गैलार में है अभी, और मिस्टर माइन जो है वो उसके साथ वो एक अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब एक मतलब अच्छे से टैक्टिक्स बना के मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, और मतलब कोई बैटल लड़े उसमें जीते भी, और पीछे से उसकी मॉम उसे देख रही है। हो सकता है कि ये सब देखने के बाद उसकी मॉम उसे खुद बोले कि तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही बढ़िया है, और आई गेस ऐश तुम्हें अभी मिस्टर माइन को पकड़ना चाहिए। फिर ऐसी एक सिचुएशन आएगी ऐश के ऊपर, ऐसी मेरी थियरी सजेस्ट कर रहा हूँ मैं कि उसकी मॉम खुद उसे बोले कि मिस्टर माइन को तू अभी पकड़, ऐश उसे मॉम को बोले क्या सच्ची, तो फिर उसके बाद मिस्टर माइन और ऐश एक दूसरे को देखेंगे, और उसके बाद ऐश हमेशा की तरह पोकेबॉल फेंक देगा और मिस्टर माइन उसका हो जाएगा। ऐसी ये दूसरी थियरी स्टेट होती है मेरी। तो देखो, तुम्हें कौन सी थियरी पसंद आई मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे थियरी नंबर टू ज़्यादा पसंद आई। मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें कौन सी थियरी पसंद आई।
सो पोके फैंस, होप सो तुम लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा, आज का ये थियरी वीडियो पसंद आएगा। सो इस वीडियो पे मतलब इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ी थी यार इस टॉपिक पे। सो मेरे को पता है तुम लोगों को दोनों थियरीज पसंद आएगी, पर फिर भी मेरे को कमेंट सेक्शन में तुम लोग जरूर बताना कि तुम्हें कौन सी थियरी ज़्यादा पसंद आई। और दोस्तों कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि थियरी कौन सी पसंद आई और कौन सी ज़्यादा रिलेटेबल लगती है आज के सिनेरियो में। और दोस्तों सबको एक वेरी हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, होप सो तुम्हें तुम्हारा ये साल भी बहुत ही अच्छा गुजरे और मेरा भी। और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू वाले बेल आइकन को दबाओ यार, वरना तुम्हें घंटा नोटिफिकेशन आने वाली कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया है। सो जल्दी डिस्कॉर्ड सर्वर पे बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना, कम्युनिटी पोस्ट पे मैं डालते रहूँगा। सो लेट्स होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद हो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं तुम लोग को अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, सी यू। ऐसे ही प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना मेरे को, और मैं भी करते रहूँगा तुम लोग को। बाय बाय, सी यू।